54 एप्स को इंडिया में कर दिया गया बैन। जी हाँ दोस्तों, आज अभी ये लेटेस्ट न्यूज आई है कि 54 एप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया, जिसमें से सबसे पॉपुलर ऐप जो है फ्री फायर, और उसके बाद जो 53 एप्स है वो सारी चाइनीज ऐप है। तो इन 54 एप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिकमेंडेशन करी थी कि 54 एप्स जो कि फॉरेन कंट्री की एप्स है, जो देश से बाहर बनी हुई ऐप्स है, उनको इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो उसको बैन किया गया। और ये क्यों किया गया? सिक्योरिटी पर्पस के कारण। तो सिक्योरिटी पर्पस के कारण 54 एप्स को बैन कर दिया गया, जिसमें से 53 एप्स चाइनीज है, और फ्री फायर ऐप जो काफी ज्यादा पॉपुलर है वो है सिंगापुर बेस्ड। ठीक है, तो सिंगापुर बेस्ड फ्री फायर कंपनी थी, उसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया उस ऐप को। अब आपको बता दूं कि ये एप्स को बैन करने का किस सेक्शन में करते हैं। तो सेक्शन नंबर 69A, सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग आप इंडिया से एप्स को बैन कर सकते हो, अगर आपको आपका सिक्योरिटी रीजन, कुछ सिक्योरिटी रीजन कारण आप उसको बैन कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास ये राइट होता है कि वो अगर उनको लगे कि सिक्योरिटी पर्पस के कारण जिस ऐप को उन्होंने बैन करना है तो वो कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो सितंबर 2020 में भी काफी ज्यादा एप्स को बैन किया गया था। 59 एप्स को उस टाइम पे बैन किया गया था सितंबर 2022 में, जिसमें मोस्ट पॉपुलर एप्स थी पबजी और उसके बाद टिकटॉक। तो इन दोनों के अलावा और भी 59 एप्स थी जिनको बैन किया गया था। पबजी को बैन करने के बाद क्या था कि पबजी दोबारा से आ गई थी वापस, बट अभी तो जो बता रहा हूं मैं आपको ये एप्स बैन के, अब देखते हैं कि फ्री फायर वापस आती है कि नहीं आती है। तो अभी तो फिलहाल यही अपडेट है, और प्ले स्टोर से भी फ्री फायर को हटा दिया गया। तो अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे डाउनलोड करने के लिए तो वहां पे आपको वो ऐप नहीं मिलेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि 54 एप्स कौन सी, उसकी मैं लिस्ट बता देता हूँ कि इस लिस्ट में कौन सी एप्स आ रही है। वीवा वीडियो एडिटर जो काफी फेमस है, जिसमें आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो, ब्यूटी कैमरा, वीडियो प्लस, लीका कैम, और भी काफी सारी एप्स है, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है फ्री फायर। तो ये सारी एप्स की लिस्ट आपको शो हो रही होगी। तो ये सारी एप्स अभी बैन हो गई है इंडिया में, तो अगर आप इनके यूजर हो तो चेक कर लेना कि कौन कौन सी ऐप आपको हट गई। अब ये आपको प्ले स्टोर पे भी नहीं दिखेगी कहीं पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की यही अपडेट थी कि 54 एप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको बैन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपडेट आज आज की आपको बतानी थी। अगर आप चैनल पर नवे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे तो प्लीज बेल आइकन को दबा देना, आने वाली ऐसी कोई लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूंगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच।